बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी कैल्केरिया सल्फ की। बायोकेमिक सीरीज की ये तीसरी रेमेडीज है। इसके बारे में समझते हैं किस तरह से बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करती है कैल्केरिया सल्फ। अंत तक देखिए, जरूर कुछ बातें समझ में आएंगी और बीमारियों के इलाज में हेल्प होगी। इस तरह से पूरी एक सीरीज 12 बायोकेमिक रेमेडी की एक अलग प्लेलिस्ट है, आप वहां से देख लें। सब वीडियोस में होंगे और पढ़ें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना को कम करें। तो देखिए, जो कैल्केरिया सल्फ है इसका जो कंसेंट्रेशन है सिर्फ बाइल में है। तो यूं समझिए कि जैसे लीवर है इस तरह से ना, लीवर ये बनाता क्या है, बाइल आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें स्टोर क्या रहता है, बाइल, और इसी बाइल में पाया जाता है कैल्केरिया सल्फ। फार्मूला क्या है, CSO4। तो ये कैल्केरिया सल्फ पाया जाता है बाइल में। अब आता कहां है अगर उसकी बात करें, तो ये जो लीवर है RBC को तोड़ता है, यानी 120 दिन बाद RBC टूटते रहते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि नया बनता रहता है और उसकी जगह पर पुराना वाला टूटता रहता है। या जो RBC है बॉडी के अंदर उसकी जो लाइफ है 120 दिन तक ही होती है, यानी आज जो RBC बनेगी लगभग 3 महीने बाद, यानी 120 दिन बाद उसको टूट के बाहर निकालना होगा। तो जो पुरानी वाली RBC है उनको तोड़ता कौन है, लीवर, बॉडी के बाहर निकाल देता है, बाइल में मिला के बॉडी से बाहर कर देगा, डाइजेशन में आ जाएगा, फिर स्टूल के साथ बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से जो पुराने वाले RBC है उनको तोड़ के बाहर निकालता रहता है लीवर। अब यूं समझिए कि जो कैल्केरिया सल्फ अगर कम पड़ जाएगा, कैल्केरिया सल्फ की कमी पड़ जाएगी, तो ये जो RBC को तोड़ने की जो इफिशियंसी है लीवर की, वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। यानी या यूं समझ लीजिए कि कैल्केरिया सल्फ अगर लीवर में कम पड़ गया, तो ये जो RBC को तोड़ने की स्पीड है, नेचुरल प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी। अब जब धीमी पड़ जाएगी तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें ऐसे भी RBC होंगे जिनकी एज 120 दिन से ज्यादा है। अब 120 दिन से ज्यादा वाला RBC ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, तो यूं समझ लीजिए कि यूजलेस सेल है। और जब यूजलेस सेल सर्कुलेशन में ज्यादा होंगे तब ब्रेन सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी लीवर नहीं तोड़ पाया और ये RBC घूम रहे हैं पूरे सर्कुलेशन में, तो ब्रेन एक दूसरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा कि इन RBC जिनकी एज 120 दिन से ज्यादा हो गई है उसको ब्लड सर्कुलेशन में धीरे धीरे तोड़ता रहेगा, यानी सर्कुलेशन में तोड़ेगा, पूरी बॉडी में वो घूमते रहेंगे और उनको एक एक को चुन के ब्रेन कुछ ऐसा केमिकल बनाएगा जो कि उनको तोड़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर यहां सर्कुलेशन में RBC टूटती है तो टूटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी उसी सर्कुलेशन में ही घूमता रहेगा। तोड़ तो देगा ब्रेन, लेकिन वो सर्कुलेशन में ही घूमता रहेगा। और अगर ये लीवर तोड़ता, पुरानी वाली RBC को अगर लीवर तोड़ता, तो बाइल के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल देता, तब ब्लड क्लीन रहता, साफ रहता, तो ऑक्सीजन भी अच्छे से ट्रांसपोर्ट होती। दिक्कत क्या है यहां पे कि इस लीवर में कैल्केरिया सल्फ की कमी होने की वजह से RBC यहां पे नहीं टूट पा रहे हैं, तो यहां पे सर्कुलेशन में टूट रहे हैं। यहां से टूटेंगे तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, टूटने के बाद वाला जो वेस्ट मटेरियल है, लीवर निकाल देगा बाइल में और बाइल के थ्रू सर्कुलेशन में आ जाएगा। अगर दिक्कत हुई तो इस सर्कुलेशन में जब टूटेंगे, यहां पे इस सर्कुलेशन में टूटने की वजह से अब निकलने का कोई रास्ता बेहतर नहीं है। एक रास्ता यह है कि लिम्फेटिक्स, यानी जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो एब्जॉर्व कर ले। अगर वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता तब जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो स्किन के थ्रू बाहर आएगा, और स्किन के थ्रू बाहर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि स्किन के थ्रू बाहर आने का तरीका क्या हो सकता है, पस बने कहीं पे, या फिर एक्जिमा जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो। तो ऐसा ही इसका एक्शन है
कैलकेरिया सल्प का, समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट इन बाइल, कम फ्रॉम लीवर, बाइल में उपस्थित है, कहां से आता है, लीवर से। काम क्या है, डिस्ट्रॉइंग वर्न आउट आरबीसी, ऐसे आरबीसी जिनका एज 120 दिन से ज्यादा हो गया उसको तोड़ता है। डिफिशियंसी इन लीवर, लीवर में अगर डिफिशियंसी हो गई तो मे लीड टू अनफिट सेल इन ब्लड सर्कुलेशन, लीवर में डिफिशियंसी है इस वजह से अनफिट सेल है। अनफिट सेल मीन्स ऐसी आरबीसी जिनका एज 120 दिन से ज्यादा है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो शरीर उनको तोड़ के बाहर निकालेगी। अब लीवर में थोड़ी कमी हो गई है कैल्केरिया सल्प की, तो तोड़ नहीं पा रहा है। तो यूजलेस आरबीसी में डिस्ट्रॉयड इन सर्कुलेशन, जिसको लीवर नहीं तोड़ पाया तो ब्रेन कुछ जुगाड़ बनाएगा किसको तोड़ना है, और तोड़ेगा उसको सर्कुलेशन में। और सर्कुलेशन में जब तोड़ेगा तो जो उसका वेस्ट मेटेरियल है निकलना शरीर से बाहर, वो उतना एफिशिएंट तरीके से नहीं निकल पाएगा। देखिए लिखा है, अनफिट आरबीसी में डिस्ट्रॉयड इन सर्कुलेशन, देयर सर्कुलेशन, देयर इलिमिनेशन इज टर्डी, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, सुटेबल तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट रीच फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहां पहुंच जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर स्किन पर बाहर आ जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसी होते हैं जहां से कुछ म्यूसलेज बनता है, कुछ लिक्विड जैसा बनता है, तो वो कहां पहुंच सकता है, स्किन पर पहुंच सकता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर। वहां पे अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर पहुंचेगा तो वहां पे क्या उत्पन्न करेगा, कैटायन एंड इरप्शन। कैटायन मींस कुछ सिक्रीशंस, मटेरियल बाहर निकलेगा या फिर स्किन पर इरप्शन होगा, यानी इरप्शन मींस एक्जिमा टाइप की सिचुएशन जनरेट होगी इरप्शन, और इट क्योर पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। यही जो स्किन से निकल नहीं पा रहा था तो अब वहां पे क्या करेगा, पस जैसी सिचुएशन बनाएगा, पस बनाएगा। तो पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, अब्सेस ऑफ इंटेस्टाइन एंड कार्नियन अल्सर, कहीं पे भी पुरुलेंट डिस्चार्ज पस जैसा निकल रहा है, तब यूं समझिए कि पस जैसी स्थिति को रोकने के लिए कई मेडिसिन है, साइलिसिया भी है, साइलिसिया के बाद इसको यूज करते हैं तो बेहतर रिस्पांस करता है, साइलिसिया, कालीम्योर, कैल्केरिया सल्फ, तो इस तरह की हिपर सल्फ, इन सब मेडिसिन का यूज आ जाता है जहां पे भी पस बनने लगता है। इसका एक्शन साइलिसिया के बाद दिया जाता है, मींस साइलिसिया से भी डीपर है, कालीम्योर के बाद दिया जाता है यानी कालीम्योर से भी डीपर है, यानी यूं समझिए कि बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जब साइलिसिया, हिपर सल्फ जैसी अच्छी मेडिसिन फैल जाती है तो उसके बाद ये आती है कैल्केरिया सल्फ। तो जहां पे भी पस बनने की टेंडेंसी है, पुरुलेंट डिस्चार्ज ब्लडी मिक्स्ड आ रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा, चाहे जितना डीप हो, चाहे जहां पे हो, चाहे कार्निया में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, चाहे स्किन के किसी पोर्शन में हो, चाहे हिप ज्वाइंट में हो, सब जगह के लिए कैल्केरिया सल्फ आप यूज कर सकते हैं। और हर्पेटिक इरप्शन ऑन द फेस, चेहरे पर कुछ हर्पेटिक यानी हर्पेस जैसा एक्जिमा सिचुएशन आ रही है फेस पर हो सकती है, या फिर गम बॉयल, अल्सरेटेड टीथ एटसेट्रा, गम बॉयल जो नहीं, जो मसूड़े है ना वहां पे गांठ जैसा बन जाता है लाल, तो गम बॉयल, या फिर कार्निया कई छोटे बच्चों में, या फिर किसी में भी कार्निया में भी अल्सर हो जाता है। दूसरे सिस्टम में बकवास टाइप का ट्रीटमेंट है और कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कार्नियल अल्सर को ठीक कर देती है कैल्केरिया सल्फ। इस तरह से एक कैल्केरिया सल्फ है, साइलिसिया के बाद यूज करें, कालीम्योर के बाद यूज करें, हिपर सल्फ के बाद, यानी इसका एक्शन सबसे डीपर है इन सब में। पस की सिचुएशन कहीं पर भी हो वहां पे कैल्केरिया सल्फ रोल प्ले करेगी, और जो पस बनने की जो टेंडेंसी है, जो व्यवस्था है, उसको ठीक करेगी, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे मेमोरी ग्लैंड का है, चाहे हिप ज्वाइंट्स का है। देखिए, अब्सेस ऑफ द प्रोस्टेट, क्रॉनिक सपोरेशन स्टेज ऑफ सिफिलिस ग्लैंडुलर अल्सरेशन, चाहे सिफिलिस का हो, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे किसी भी ग्लैंड में पस बन रहा हो, वहां पे रोल आ जाता है कैल्केरिया सल्फ का। इम्पाइमा यानी जो लंग्स है, जो प्लूरल कैविटी है उसमें पस बन रहा है, पस फॉर्मिंग इन लंग्स आर प्लूरल कैविटी। अब लंग में या प्लूरल कैविटी यानी जो लंग का छोटा वाला पार्ट है वहां पे पस बन रहा है, तो चेस्ट में पेन भी होगा, तो चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत भी आएगी,
क्योंकि पस बन रहा है, तो इम्पायमा को भी ठीक करती है कैल्केरिया सल। और थर्ड स्टेज ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के कुल चार स्टेज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार स्टेज में, तीसरे स्टेज में यूज की जाती है कैल्केरिया सल, या फिर थर्ड स्टेज ऑफ ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस यानी जो ब्रांकस है वहां का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ब्रांकाइटिस बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज में चाहे ब्रांकाइटिस हो या फिर न्यूमोनिया हो यूज करें, बेहतर रिस्पांस आएगा। मस्टाइटिस यानी जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल में जो ब्रेस्ट है वहां का इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा है कि दर्द तो कर ही रहा है, इन्फ्लेमेशन तो दर्द करेगा ही, उसके साथ साथ कुछ डिस्चार्ज भी हो रहा है। मस्टाइटिस व्हेन मैटर इज डिस्चार्जिंग आफ्टर साइलिसिया, साइलिसियस भी नहीं सही हो रहा है, साइलिसियस भी नहीं सही हो रहा, बस डिस्चार्ज हो ही रहा है, ब्रेस्ट में पेन भी है, वहां पे यूज आएगा कैल्केरिया सल्फ। और हिप ज्वाइंट डिजीज फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ पस, किसी को फ्रैक्चर हो गया हिप ज्वाइंट का और वहां पे पस बनना स्टार्ट हो गया, या फिर वैसे ही पस बन रहा है, तो हिप ज्वाइंट डिजीज में पस बन रहा है तो वहां पे भी रोल प्ले करेगा, और पस के जो बनने की जो टेंडेंसी है उसको धीरे धीरे ठीक कर देगा। और कट उंड ब्रूस यानी जो भी चोट हो, जितनी भी वेराइटी होती है चोट की, चाहे कट गया हो, चाहे चोट लग गई हो, या फिर ऐसा चोट जिसमें कि ब्लड नहीं निकला है। अनहेल्दी डिस्चार्जिंग पस, येलो पुरुलेंट डिस्चार्ज या क्रस्ट, येलो इस कलर का प्रश्न निकल रहा है। और पेन इन बैक या फिर कोकेक्स, जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन, जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं, जो कुर्सी पर टच करता है, इट मीन्स जो टच करने वाला होता है लगभग, तो वहां पे एक हड्डी है कोकेक्स, वहां पे भी दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ बर्निंग, इचिंग, एनस, रेक्टम, वेजाइना एक्सेट्रा, एनस में, वेजाइना में या फिर रेक्टम में, इन सब पोर्शन पे क्या हो रहा है, इचिंग हो रहा है। कारण वही जो सर्कुलेशन में जो आरबीसी टूट रहे हैं उनका मटेरियल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे इचिंग हो रही है। और सबसे खास बात क्या है कि किसी को भी पस आ रहा हो, जैसे मैस्टाइटिस है ना, ब्रेस्ट से पस आ रहा हो, या फिर इम्पाइमा है, लंग से पस आ रहा हो, तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करवा दें। इसमें लिखा है कि अगर वॉक करेगा चलने फिरने से, जो टिश्यू रिपेयर होने की जो टेंडेंसी होती है वो नहीं हो पाता है, यूं समझिए कि जैसे छत बनती है ना, तो छत बनती है तो एक बार उसको सेट कर दिया जाता है, तो फिर उसके पिलर जो नीचे लगे रहते हैं, जो लकड़ी जिसको सेट किया जाता है छत बनने के लिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा एक बार तो जो सेटिंग प्रक्रिया है वो ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक वही बात यहां पे भी है, लंग में पस है, ब्रेस्ट से आ रहा है, या फिर कहीं पे भी पस आ रहा है हिप ज्वाइंट से भी, तो उस पेशेंट को क्या करें, कंप्लीट बेड रेस्ट करें। हिलने से यानी वो पार्ट में मोशन नहीं आना चाहिए, हिलने से क्या होगा कि ये जो प्रक्रिया है कैल्केरिया सल्फ को काम करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कमतर हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो कंप्लीट रेस्ट में अगर कैल्केरिया सल्फ देंगे, पस बन रहा है, एलोइस डिस्चार्ज आ रहा है कहीं से भी पूरी बॉडी में, किसी भी टाइप का हो, जहां पे साइलिसिया, कालीमियोर ये सब बेहतर रिस्पांस नहीं कर पा रही हूं, कैल्केरिया सल्फ वहां पे काम करेगी। लेने का तरीका इस तरह से, बायोकेमिक रेमेडी है, तो लेने की सीक्वेंस इस तरह से है, आप पहले 3x यूज करें, उसके बाद 6x, उसके बाद 12x, फिर 30x, उसके बाद 200x, इस तरह से बढ़ते हुए सीक्वेंस में यूज करें ऐसे। और लेना कैसा है, 4 टैबलेट जी पर 3 टाइम चूसना है, गर्म पानी में घोल के भी ले सकते हैं, थोड़े से गर्म पानी में 4 टैबलेट घोल दें, 3 टाइम ले, सुबह, दोपहर, शाम। 3x से स्टार्ट करें, 25 ग्राम का छोटा छोटा आता है सीसी में, तो 25 ग्राम ले लें, 3x यूज करें, जब 3x खत्म हो जाए तो 6x, 6x जब खत्म हो जाए तो इस तरह से प्रोसीड करते जाएं। तो छोटे छोटे पैक आते हैं, तो पैक दबा लें, बेहतर रिस्पांस करेगी, तो इस तरह से पोटेंसी उसको बढ़ाते जाएं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो निश्चित रूप से आराम आएगा। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको अपने से पढ़ना चाहते हैं, किताब से पढ़ना चाहते हैं, तो ये 12 टिश्यू रेमेडीज है, इस किताब को पढ़िए, सभी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी गई है, इसके अलावा भी जितनी बताई गई, इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन है, आप उसको समझ सकते हैं पढ़ के। तो कुछ बात समझ में आई, तो इन्फॉर्मेशन का यूज करें,
दूसरों को भी बताएं, शेयर कर दें वीडियो, कुछ लोगों की और इन्फॉर्मेशन बढ़े ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। इस चैनल का यही उद्देश्य है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।